आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से एनिमल किंगडम के किस फाइलम में हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट होता है। अब अगर अपने ब्लड पिगमेंट की हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है यानी गैसियस एक्सचेंज में जो गैसेस को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, वो हमारे पास हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है और ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। यानी इसके स्ट्रक्चर में जो हमें सेंट्रल एटम मिलेगा वो आयरन होता है आयनिक फॉर्म में, लेकिन हीमोसाइनिन एनिमल किंगडम में पाया जाने वाला एक ऐसा पिगमेंट है जिसमें आयरन के बजाय हमें बीच में कॉपर मिलता है। ये कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है और आयरन की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन तो रेड कलर का नजर आता है। यही रीजन है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स भी लाल रंग के होते हैं क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन जिन एनिमल्स में हीमोसाइनिन मिलेगा क्योंकि वहां पर आयरन के बदले कॉपर है, इसीलिए ब्लू कलर का उनका ब्लड पिगमेंट होता है। तो यहाँ पर मोलस्क हमारा सही आंसर हो जाएगा। मोलस्क का ऐसा फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम का जिनका अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम उनके पास होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से हम क्या समझते हैं कि इनके पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़े पुअरली डेवलप्ड होते हैं, हमारी तरह ये वेल डेवलप्ड नहीं होते और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनका नहीं हो पाता है क्योंकि ब्लड इनकी ब्लड वेसल्स में कन्फाइंड नहीं रहता। ब्लड वेसल्स और हार्ट के अंदर सिर्फ फ्लो नहीं करता बल्कि इनकी पूरी बॉडी कैविटी में ये फैला रहता है क्योंकि ब्लड वेसल्स अच्छे से डेवलप नहीं है। तो मॉलस्क हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल्स का ऐसा एग्जाम्पल है जिनकी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट या ब्लड पिगमेंट हमारी तरह आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन की बजाय कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर का हीमोसाइनिन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मोलस्क का हम सही आंसर मार्क कर देंगे क्योंकि एकिनोडर्म्स में तो एज सच ब्लड वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता, इनकी बॉडी में वाटर के करंट्स की हेल्प से ही ट्रांसपोर्टेशन होती है सब्सटेंसेस की, तो इनके पास एक वाटर केनाल सिस्टम होता है। उसी तरह से प्लेटीहेलमिंथ और एस्किलमिंथस में भी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं है। तो मोलस्का हमारे पास वो फाइलम है, सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स हमें जिसमें मिलते हैं और ब्लड पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनका कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।